चौमासा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सात छाव कलाकारों को पद्मश्री अवार्ड दिलाने वाले कलानगरी के रूप में विख्यात सरायकेला के नाम एक और पद्मश्री अवार्ड जुड़ गया है। यह अवार्ड कोई कलाकार नहीं बल्कि अपने संघर्ष के बदौलत प्रताड़ित महिलाओं का सहारा बनी छुटनी महतो को मिला है। छुटनी महतो को डायन के नाम पर घर से निकाल दिए जाने के बाद वह चुप नहीं बैठी बल्कि डायन के नाम पर प्रताड़ित लोगों का सहारा बनी। आज वह झारखंड ही नहीं अन्य राज्यों के प्रताड़ित महिलाओं के लिए ताकत बन चुकी है। लगभग 63 वर्षीय छुटनी महतो सरायकेला खरसावा जिले के गम्हरिया प्रखंड के भोलाडी वीरबांस की रहने वाली है। गम्हरिया के महताइन डी के लोगों ने गांव में घटने वाली घटनाओं को डायन से जोड़कर छुटनी को डायन की संज्ञा दे दी थी। ग्रामीणों ने तथा कथित तांत्रिक के कहने पर डायन के नाम पर छुटनी को मल मूत्र पिलाया, इतना ही नहीं पेड़ से बांध कर पीटा भी। इसके बाद हत्या की योजना बनाने लगे। इसकी बात की भनक लगते ही छुटनी अपने चारों बच्चों के साथ गांव छोड़कर भाग गई। उन्होंने अपनी जैसी पीड़ित 70 महिलाओं का एक संगठन बनाया और इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। वह गैर सरकारी संस्था आशा के संपर्क में आई और उन्हें उनका उद्देश्य मिल गया। आज वह सरायकेला के वीरबांस पंचायत के भोलाडी में संचालित परिवार परामर्श केंद्र की संयोजिका है। डायन के नाम पर प्रताड़ित महिलाओं की सहायता को वह अपना धर्म मानती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।